ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ବୃହତ୍ ବୀଣା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଖରାପ ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି 5 ଟନ୍ର ବୀଣା। ଏହି ବୀଣାର ଲମ୍ବ 28 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓସାର 10 ଫୁଟ ରହିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 12 ଫୁଟ ଅଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ମନୋଲୋଭା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋପାଳର 15 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ମିଶି ଏହି ରୁଦ୍ର ବୀଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୀଣା ତିଆରି କରିବାକୁ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବୀଣା ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୁହା, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍, ଗିୟର୍, ତାର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଭାଇରସ୍, ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବୀଣା ଉପରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ବୀଣା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ବୀଣା ତିଆରି କରିବାର ଥିମ୍ ରହିଛି କବାଟ ସେ କାଞ୍ଚନ। जो मोदी जी का एक है कि कचरे से कंचन, तो हम लोगों ने कबाड़ से कंचन का एक थॉट था। उसके बाद में फिर हम लोगों की प्लानिंग हुई कि कुछ भोपाल के लिए कुछ एक अलग से इंस्टॉलेशन करें, म्यूज़िकल करें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों कभी दिमाग में आया कि ढोलक बनाते हैं या तबला बनाते हैं। फिर एकदम से सोचा कि क्यों नहीं ट्रेडिशन पे जाएं, जहाँ पे आने वाली जनरेशन को, आने वाली फ्यूचर को वीणा के बारे में पता चले कि अगर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है बट बहुत कम लोग जानते हैं। सो हम लोगों ने इंडियन ट्रेडिशन को लेके इसको माइथोलॉजिकल से जोड़ते हुए हम लोगों ने एक रुद्र वीणा बनाई, जो भोपाल में अपने आप में एक इंस्टॉलेशन बड़ा है। अभी जो अटल पथ है हमारा, उस पर हम लोगों का है कि वहीं पर एक बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड हो, जिसके अंदर हम इसमें लाइट्स भी लगे अंदर और म्यूज़िक भी चले, ताकि आने वाली जनरेशन को दिखे कि इसका इफेक्ट क्या होता है और वीणा का मतलब क्या हुआ है। तो इसलिए हम लोग रुद्र वीणा तो अटल पथ पर हम लोगों का इंस्टॉलेशन का चल रहा है कि वहां पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तबे आकु नै आउ जने शिल्पी कहिसेंती एही वीणा तयारी करबाकु तांको 6 मास समय लागिथिला। करिबा समय रे मध्य अनेक समस्या आसीथिला, किंतु सेमानको परिश्रम जगु एही वीणा खूब सुंदर होइ परथिला, जहाँ भोपालवासी पसंद करते। बेसिकली ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, तो इसका जो परफेक्शन है वो लाने में और इसका मटेरियल जो है, इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन में बड़ी बड़ी पेचीदा समस्या रही है। क्योंकि आपके पास जो पार्ट्स हैं, हमने जितने भी पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे पार्ट्स स्क्रैप में यूज़ हुए हैं, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं। जो मटेरियल हमारे पास निर्धारित क्वांटिटी में है कि इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता, तब बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमें 10 पीस चाहिए लेकिन हमारे पास 5 अवेलेबल हैं, तो फिर उसको मैनेज करना बड़ा टास्क होता है। तबे ये बिना देखिबा को जति की आकर्षणीय सेति की मनोलोभा मध्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।